बहराइच जिला अस्पताल के महिला वार्ड से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक प्रसूता ने ब्लड के अभाव में दम तोड़ दिया। आपको बताते चलें, बहराइच जिला अस्पताल के महिला वार्ड में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला का अत्यधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण उसे खून की आवश्यकता थी। डॉक्टर द्वारा उसके पति को पर्ची पर लिखकर दिया गया कि खून उपलब्ध कराया जाएगा, बावजूद उसे ब्लड बैंक से खून न मिल सका। अब इसे ब्लड बैंक कर्मियों की लापरवाही कहा जाए या जिला अस्पताल के CMS की गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक पीड़ित ने CMS पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो CMS के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो उसकी सहायता करने के CMS द्वारा उसे वहां से भगा दिया गया। पीड़ित के तमाम भागदौड़ और गुहार के बीच इलाज के अभाव में प्रसूता ने तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन से जो है ब्लड ज्यादा आने लगा। डॉक्टर ने आया, उसने बोला CMS से लिया, CMS के वहाँ गए, CMS मना कर दिया कि हमारे यहाँ खून नहीं है। साफ मना कर दिया? जी साफ मना कर दिया, हमारे यहाँ नहीं है। आप क्या ले गए थे उससे कहा तुम ही निकलवा दो, तो हमारे जिससे वो भी था क्या निकलवा। अब आपकी पत्नी कहाँ है? हमारी पत्नी वहाँ पे। क्या हुआ? खत्म हो गई, मर गई। अब किसके आप खून हमको नहीं मिला तो उसके लापरवाही CMS। अब साहब वहाँ पर धन दबा, अब का हम पता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।